आईपीएल का मैच नंबर 61 दोस्तों खेले जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पे। और ये मैच दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अगर यहां पर इस मैच को जीतती है तो 8 विन के साथ चेन्नई सुपर किंग 100% क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्वालिफाई करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर, पॉइंट टेबल पे कोलकाता नाइट राइडर्स अभी के टाइम पर 8th पोजीशन पे है, वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम पॉइंट टेबल पे अभी 2nd पोजीशन पे है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है दोस्तों, और अगर आप लोग इस मैच के लिए अपने लिए फैंटेसी की एक टीम बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड को। चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई पे ये मैच खेले जाने वाला है, यहां के पिच के बिहेवियर को समझते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोग यहां के पिच के बिहेवियर को समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर स्कोर कभी कम कभी ज्यादा बन रहा है, बट ऑन एन एवरेज इस पिच का अगर आप लोग एवरेज स्कोर देखोगे ना तो वो 180 रन के बीच में रहता है, जो एक एवरेज स्कोर है इस पिच का। बट बाकी जो मैचेस हुए हैं, यहां पर चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ के बीच में मैच हुआ था, यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने 217 बना दिए थे और लखनऊ की टीम भी 200 तक पहुंच गई थी। यहां पर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ था, राजस्थान रॉयल्स ने 175 बनाए थे, सीएसके की टीम भी 172 तक पहुंच गई थी। सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ी कमजोर है आप लोगों को पता है अभी के टाइम पे, तो सिर्फ 134 रन बने थे, उस रन को सीएसके ने आराम से चेस कर लिया था। बाकी सीएसके और पंजाब के बीच में मैच हुआ था तो सीएसके ने फिर से 200 प्लस बनाए थे। सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में मैच हुआ था, तो यहां पर देखो मुंबई इंडियंस की टीम की बैटिंग लाइनअप अभी के टाइम पे कुछ खास नहीं कर रही है, तो सिर्फ 139 बना पाई थी, सीएसके ने उस मैच को इजीली विन कर लिया। सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच हुआ तो सीएसके ने फिर से अच्छे खासे रन यहां पर बनाए। क्लियर, तो क्योंकि ये मैच अब दोस्तों चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में है ना, तो आप लोग मान के चलो अगर सीएसके की टीम यहां पर पहले बैटिंग करने आती है तो यहां पर अच्छे स्कोर बन सकते हैं, 180 प्लस तक इजीली स्कोर जा सकता है अगर सीएसके की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है। वहीं अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पर पहले बैटिंग करने आती है तो यही एवरेज स्कोर जो 180 का है दोस्तों, इसे मैं 160 के पास मानूंगा। क्लियर, ओके। अब स्पिनर और पेसर किसे ज्यादा विकेट्स मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे यहां पर स्पिनर और पेसर दोनों को लगभग लगभग बराबर विकेट्स मिल रहे हैं। क्लियर, टोटल जो दोस्तों 5 आप लोग देखोगे, टोटल जो 6 मैचेस खेले गए हैं ना, इन 6 मैचेस पे फर्स्ट इनिंग्स पे 23 विकेट पेसर को मिले हैं, 17 विकेट स्पिनर को मिले हैं, सेकेंड इनिंग्स पे 13 विकेट पेसर को मिले हैं और 11 विकेट स्पिनर को मिले हैं। क्लियर, सेकेंड इनिंग्स में थोड़े कम विकेट जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग देखोगे सेकेंड इनिंग्स में यहां पर सिर्फ 24 विकेट गिरे हैं, जबकि फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 40 विकेट गिरे हैं। क्लियर, तो यहां पर जो टीम चेस करती है ना वो टीम यहां पर एडवांटेज पे रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग देखोगे यहां पर चेस करने वाली टीम ने विन किया है, यहां देखोगे चेस करने वाली टीम ने विन किया है, यहां देखोगे चेस करने वाली टीम ने विन किया है, यहां पर चेस करने वाली टीम हारी है, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स का ना परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद का भी परफॉर्मेंस खराब रहा है। क्लियर, वरना अगर दोनों इक्वल टीम होगी ना तो एक बैलेंस मैच आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। क्लियर है पिच। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाओ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लो। 1,70,000 से ज्यादा मेंबर्स है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग भी आओ और फटाफट से इस ग्रुप के मेंबर बनो। बाकी दोस्तों अगर यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ज्वाइन नहीं किया है ना, फटाफट से जाओ और माई 11 सर्कल ऐप को तुरंत के तुरंत इंस्टॉल कर लो।
बिकॉज दोस्तों माई इलेवन सर्कल ऐप पर बहुत कम कंपटीशन है और यहां पर फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपए, समझ रहे हो, बाकी सेकेंड प्राइज दोस्तों यहां पर 5 लाख रुपए के साथ साथ चमचमाती महिंद्रा थार है। तो मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड करके देखो। अभी तक आप लोग जिस भी ऐप पर खेल रहे हो दोस्तों, वहां पर अगर आप लोग खेल खेल कर, सीरियसली बता रहा हूं, परेशान हो गए हो और मेगा ग्रैंड लीग नहीं जीत पा रहे हो ना, एक बार माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करके पक्का से देखो। ऐप बदलो दोस्तों, किस्मत बदल सकती है। बाकी अगर मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो 5,000 रुपए का बोनस आप लोगों को मिलेगा। और फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे दोस्तों अगर आप लोग क्रिक 23 कोड को यूज कर लेते हो, जो कि यहां लिखा हुआ है, आप लोगों को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग के टीम पे आप लोगों को डिवॉन कॉनवे और महेंद्र सिंह धोनी दिखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी यहां पर आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे और डिवॉन कॉनवे एज अ बैट्समैन खेलते हैं टीम के लिए। डिवॉन कॉनवे का जरा एक बार वेन्यू रिकॉर्ड देखो, यहां देखो 50 रन, ये रेड वाले वेन्यू रिकॉर्ड है, ठीक है, बाकी 77 रन, 92 रन, 42 रन, लास्ट मैच पे फ्लॉप रहे थे। बट उससे पहले अगर आप लोग देखोगे 1, 2, 3, 4 चारों मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस था। वेन्यू पे दोस्तों 6 मैच पे 80 के एवरेज से खेलते हैं। बेस्ट स्कोर, करियर बेस्ट स्कोर जो इनका 92 नॉट आउट का है, वो इसी वेन्यू पे बना हुआ है। क्लियर, डिवॉन कॉनवे दोस्तों वेन्यू के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे दोस्तों, आप लोग टीम पर लेकर ही चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है बैटिंग करने की। क्लियर, एकदम एंड पर आते हैं दोस्तों, रविंद्र जडेजा से भी नीचे खेलने आएंगे, ठीक है, 6 डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं तो उतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। हाँ, अगर टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स्ड होता है तो महेंद्र सिंह धोनी अच्छा कर सकते हैं, वरना बैटिंग पे उतनी कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। लास्ट के 2-3 ओवर ही खेलने को मिलते हैं, इसीलिए ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को करते हुए नहीं दिखेंगे। इसीलिए अपनी फैंटेसी की टीम पर मैं महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी बात करूं कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेट कीपिंग सेक्शन पे, तो यहां पर आप लोगों को दिखते हैं रमनुल्ला गुरबाज। रमनुल्ला गुरबाज का परफॉर्मेंस देखो, 15 पे फ्लॉप, 0 पे फ्लॉप, 8 पे फ्लॉप, फिर 3 मैच बैटिंग नहीं, फिर 81 पे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप। मतलब एक बात है, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ 1 मैच पे 81 रन की पारी खेली है। बट एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कल के मैच में क्या हुआ, प्रभसिमरन सिंह ने क्या किया, प्रभसिमरन सिंह ने जबरदस्त 100 रन की प्लस की पारी खेली। क्लियर, अब कंसिस्टेंसी प्रभसिमरन सिंह पे भी कम दिख रही थी, बट अपॉर्चुनिटी पूरी थी क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं। सेम रमनुल्ला गुरबाज के साथ है और प्लेइंग स्टाइल भी सेम है, रमनुल्ला गुरबाज भी ताबड़तोड़ हिटिंग करके ही खेलता है। क्लियर, मेगा ग्रैंड लीग पे दोस्तों ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग पर लेने की उतनी जरूरत नहीं है बिकॉज कंसिस्टेंसी मुझे कम दिख रही है। बट मेगा ग्रैंड लीग पे ना जितने भी पोटेंशियल प्लेयर है, स्पेशली टॉप ऑर्डर के दोस्तों जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, वो किसी भी दिन चल जाते हैं, समझ रहे हो ना, किसी भी अननोन दिन जिस दिन आप लोग ड्रॉप करके चलोगे उसी दिन वो चलेंगे और उसी दिन एक जबरदस्त पारी खेल कर आ जाएंगे। इसीलिए डिफरेंशियल टीम बनाते हो, 5-6 टीम बनाते हो, तो ऐसे प्लेयर्स को पक्का से कुछ टीम पर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे ऋतुराज गायकवाड़ आप लोगों को दिखेंगे, ओपनिंग करते हैं डिवॉन कॉनवे के साथ, उनके बाद अजिंक्य रहाणे खेलने आते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बैटिंग वाले सेक्शन से शिवम दुबे और अंबती रायडू दिखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का वेन्यू परफॉर्मेंस देखोगे तो 8 रन, फिर 35 रन, फिर 37 रन, फिर 30 रन, फिर लास्ट मैच में 24 रन। बाकी कंसिस्टेंसी वैसे अगर आप लोग देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ की रही है, यहां देखो 40 रन, फिर 3 पे फ्लॉप, फिर 8 पे फ्लॉप रहते हैं, फिर 35 35, 47 37 30 24 पे चलो फ्लॉप रहे। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो काफी मैच पे अच्छा परफॉर्म किया है। क्लियर, कुछ कुछ मैच पे ड्रॉप भी हुए हैं, जल्दी आउट हुए हैं, यहाँ 8 रन पे जल्दी आउट हुए थे, 3 रन पे जल्दी आउट हुए थे, और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 24 रन पे जल्दी आउट हुए हैं। क्लियर,
तो ऋतुराज गायकवाड़ भी एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, बट कुछ टीम पर आप लोग चाहे तो मेगा ग्रैंड लीग पे ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो कुछ मैच पे अगर आउट होते हैं तो जल्दी भी आउट हो जाते हैं, क्लियर। बट स्मॉल लीग के लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोग कुछ टीम पर, मतलब जैसे अगर 6 टीम बनाते हो तो रिकॉर्ड को देखते हुए सिर्फ 1 या 2 टीम पे आप लोग ड्रॉप करके चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे को देखो 61 रन, 31 रन, 37 रन, फिर 9 पे फ्लॉप, फिर 71 रन, फिर 15 पे फ्लॉप, फिर बैटिंग नहीं है, फिर बैटिंग नहीं है, फिर 21, फिर 21। वेन्यू का परफॉर्मेंस अजिंक्य रहाणे का कुछ सही नहीं रहा है। देखो 31, 9 बैटिंग नहीं, 21, 21, मतलब अभी तक इस वेन्यू पे कुछ मेजर इंपैक्ट अजिंक्य रहाणे ने नहीं दिखाया है। स्टैटिस्टिकली देखोगे तो 10 मैच में सिर्फ 15 का एवरेज है और 31 रन इनका बेस्ट स्कोर है, मतलब वेन्यू पे अजिंक्य रहाणे आप लोगों को स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। बाकी बात करो दोस्तों शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे का परफॉर्मेंस देखोगे 28, 8, 52 बैटिंग नहीं, फिर 50, फिर 52, फिर 28, फिर 26, फिर 25, मतलब रन तो बना रहे हैं, मतलब ठीक है ना, रन बना रहे हैं, देखो ना 25, 26, 28, 28, हर मैच में इन्हें स्टार्टअप मिला हुआ है, क्लियर। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए खेल रहे हो ना, तो आप लोग अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे में से किसी एक प्लेयर को पिक कर सकते हो। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो शिवम दुबे मेरे हिसाब से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहे हैं, बट स्मॉल लीग पे मोस्टली अपोनेंट अजिंक्य रहाणे को लेकर आएंगे, इस बात को ध्यान रखेगा। बाकी अंबती राइडू का दोस्तों परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, एज अ इंपैक्ट प्लेयर भी खेलते हैं, मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा। बाकी बात करूं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम पर, यहां पर आप लोगों को जेसन रॉय दिखेंगे, स्टार्टिंग पे बढ़िया खेला था, 43, 61, 56, फिर एक 20 रन की थोड़ी खराब पारी आई, फिर 38, फिर एक 10 रन की खराब पारी आई। हेड टू हेड 2 मैच खेले हैं, 31 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 61 का है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो अगेंस्ट द टीम परफॉर्मेंस ठीक है। एक कंसिस्टेंसी के बारे में अगर बात करूं, वैसे इनकंसिस्टेंसी रहते हैं जेसन रॉय, अगर आप लोगों ने इनका रिकॉर्ड देखा होगा तो उतनी कंसिस्टेंसी तो रहती नहीं है, बट फिलहाल के टाइम पर अच्छा खेल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करूं दोस्तों वेंकटेश अय्यर की, तो वेंकटेश अय्यर ने लास्ट मैच में 57 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 11, 7, 11, 31, 20, 0, फिर 100 रन की एक पारी आई थी, फिर 83 रन की एक पारी आई थी, मतलब अगर आप लोग देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मैच में कंटिन्यूअसली फ्लॉप हुए थे, उसके बाद 157 रन की पारी आई थी, क्लियर। तो कंसिस्टेंसी वेंकटेश अय्यर में भी कम है, बट नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो नीतीश राणा को देखो 45, 75, 5, 4, 27, 48, 4, 42, 51, 22, बाकी नीतीश राणा आप लोगों को बॉलिंग भी करते हुए दिख सकते हैं, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में बॉलिंग कराने आए थे, पहला ओवर इन्होंने डाला था और ताबड़तोड़ पिटाई हुई थी यशस्वी जायसवाल से, तो उसके बाद तो पता नहीं थोड़ा सा डर भी गए होंगे कि बॉलिंग करने जाऊं या ना जाऊं, बट स्टिल बॉलिंग करने आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी यहां से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। बाकी बात करूं दोस्तों रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह को यहां पर देखो 48, 58, 18, 6, 53, 18, 19, 46, 21, 16, रिंकू सिंह के लिए दोस्तों यह आईपीएल सही रहा है, ठीक है। मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रह रहे हैं, देखो ऋतुराज गायकवाड़ को पिक कर लीजिएगा, बाकी अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे में से किसी एक को पिक कर लीजिएगा, बाकी यहां पर नीतीश राणा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बाकी जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह डिफरेंशियल पिक है, इनमें से कोई भी एक चल सकता है, क्लियर, ओके। अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मोइन अली और रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखेंगे। मोइन अली का परफॉर्मेंस वेन्यू पे कुछ खास नहीं रहा है, यहां देखो 7 रन 1 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 10 रन 0 विकेट, बैटिंग नहीं 0 विकेट, 7 मैच 0 विकेट, मतलब क्या है, अगर मोइन अली का आप लोग वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे एक भी मैच पे परफॉर्मेंस नहीं, क्लियर। बाकी अगर आप लोग वैसे देखोगे तो यहां पर एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है और यहां पर एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है,
दो ही मैच निकले हैं दोस्तों जो जहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी इससे पहले एक और मैच पे थोड़ा सा ठीक ठाक इन्होंने 3 या 4 विकेट निकाले थे उस मैच पे, क्लियर। तो यहां पर देखोगे तो मोइंग अली का वेन्यू पे कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है, क्लियर। अगर ड्रॉप करना है तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखेगा। बाकी अगर अगर आप लोग अपोजिशन साइड को देखोगे तो वहां पर देखो कितने लेफ्ट हैंडर्स है, क्लियर। अगर आप लोग देखोगे लेफ्ट हैंडेड अपोजिशन वाले साइड पे बहुत ज्यादा है दोस्तों, वेंकटेश अय्यर लेफ्टी है, आप लोगों के नीतीश राणा लेफ्टी है, रिंकू सिंह लेफ्टी है, इसीलिए आज के इस मैच पे मोइंग अली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। दो वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, बट लेफ्ट हैंडेड के सामने बॉलिंग करने आएगा, हो सकता है आज के मैच में आप लोगों को पूरे 4 ओवर अपना करता हुआ दिखे, इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी बात करूं दोस्तों रविंद्र जडेजा का, तो इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, वेन्यू पे भी अच्छा किया है, 25 रन 2 विकेट 3 विकेट 12 रन 2 विकेट 21 रन 1 विकेट, यहां पर भी 1 विकेट, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करने का मतलब नहीं बनता है, एक मस्ट पिक प्लेयर होंगे दोस्तों, टीम पर लेकर ही चलिएगा। मोइंग अली का वेन्यू रिकॉर्ड सही नहीं है, बट स्टिल आज के इस मैच पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पिक करके ही चलिएगा। बाकी बात करें दोस्तों एंड्रे रसल की, तो एंड्रे रसल के साथ प्रॉब्लम यह है ना, कभी बॉलिंग करेगा कभी बॉलिंग नहीं करेगा, वो सब बात बहुत परेशान करती है दोस्तों, क्लियर। यहां देखो परफॉर्मेंस बेकार, यहां ठीक है यहां बेकार, यहां ठीक है यहां बेकार, यहां ठीक है यहां ठीक है, यहां ठीक है यहां ठीक है, फिर बेकार, क्लियर। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो लगभग परफॉर्मेंस ठीक है, अगर 10 मैच में देखोगे तो सिर्फ 3 ही मैच ऐसे गए हैं जहां पे परफॉर्म नहीं किया है, 7 मैच पे तो परफॉर्म किया ही है, क्लियर। बट अगर बॉलिंग करते हैं ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉलिंग करते हैं तो फिर सीवीसी के कंटेंडर रहते हैं, बट बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर बस एक परफेक्ट प्लेइंग 11 जो ड्रीम टीम है उसके मेंबर तो रहेंगे, बट सीवीसी के कंटेंडर फिर नहीं रहते हैं, क्योंकि बैटिंग पे देखो ये ताबड़तोड़ खेलेंगे, 30 से 40 रन बनाकर देंगे, बट अगर बॉलिंग करते हैं तो 2 विकेट भी निकाल देते हैं ना, फिर सीवीसी के कंटेंडर हो जाते हैं, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बॉलिंग ज्यादा करते नहीं है, मैं होपफुली इन्हें ड्रॉप करके चलूंगा। अनुकूल रॉय की अगर मैं बात करूं तो अनुकूल रॉय बॉलिंग कर सकता है, 2 ओवर तक कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेगा, 2-3 ओवर कर सकता है, बाकी बैटिंग पे बहुत नीचे खेलने आता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो सुनील नारायण का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है दोस्तों, यहां देखो इन्हें विकेट्स लिए, यहां एक बार 3 विकेट था, विकेटलेस 1 विकेट देख रहे हैं, क्लियर। बट क्या सुनील नारायण आज के हरप्रीत बरार बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों, पोटेंशियल प्लेयर है, अगर 2 विकेट निकाल गए तो फिर 3 और 4 विकेट निकालने में परेशानी नहीं होगी, तो ये मेगा ग्रैंड लीग के एज अ पंट पिक आप लोग ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग पर ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर अच्छा नहीं है, बट एक हाई पोटेंशियल प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेगा ग्रैंड लीग पे पक्का से पिक करके चलिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन पे, बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दीपक चहर के लास्ट के 2 मैच पे अच्छे परफॉर्मेंस चल रहे हैं, 2 विकेट और 2 विकेट निकाले, बाकी तुषार देश पांडे तो हर मैच में लगभग 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट विकेटलेस 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट विकेटलेस 2 विकेट विकेटलेस फिर विकेट ले जाएंगे, हर मैच पे तुषार देश पांडे अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, प्लस कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी डामाडोली है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बाकी दीपक चहर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। इंजरी के बाद आए थे, पहले मैच में खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट लास्ट मैच में अच्छी खासी बॉल को स्विंग कर रहे थे जो कि इनकी स्ट्रेंथ है। बाकी महेश तिक्सेना का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, वेन्यू पे देखोगे तो 5 मैच पे 1 ही विकेट है इनके पास, बाकी मतीशा पतिराना एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, स्लिंग आर्म एक्शन लास्ट के 2 मैच पे, यहां पर सेम वेन्यू पे इन्होंने विकेट निकाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी बात करूं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो हर्षित राणा, अगर कोलकाता की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो हर्षित राणा एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, वरना इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स पे, फर्स्ट इनिंग्स पे वही है, डेथ पे अगर बॉलिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यहां देखो 1 विकेट 1 विकेट और एक बार
दो विकेट निकालकर ले जा चुके हैं। बाकी बात करूं वरुण चक्रवर्ती के, वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है दोस्तों, एक विकेट, दो विकेट, तीन विकेट, जीरो, एक, तीन, जीरो, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोस्तों। बाकी श्रुया शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये भी विकेट निकाल ही लेते हैं वैसे, एक विकेट, जीरो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, जीरो, एक, एक, मतलब ज्यादा मेजर गुच्छों में तो नहीं निकाल रहे हैं विकेट्स, बट एक विकेट दो विकेट ये भी निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बॉलिंग वाला सेक्शन। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स को, जो कि आप लोगों को बहुत मदद कर सकती है अपने लिए एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग देखोगे मैचअप वैसे कुछ खास नहीं है, रविंद्र जडेजा ने रमनुल्ला गुरबाज को दो बॉल में एक बार आउट कर रखा है, मोइंग अली ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया था मोइंग अली लेफ्टी के सामने बॉलिंग करने पक्का आएगा और वेंकटेश अय्यर यहां पर आप लोगों को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही है। बाकी मोइंग अली ने दोस्तों एंड्रे रसल को भी 6 बॉल पे एक बार आउट कर रखा है। तो मोइंग अली मैंने बताया था वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, बट आज के इस मैच पे इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, अपने पूरे 4 ओवर करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। बाकी यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो सुनील नारायण ने अंबती राइडू को 4 बार आउट करा है 64 बॉल पे, बट रीसेंट परफॉर्मेंस सुनील नारायण का कुछ खास नहीं चल रखा है। अजिंक्य रहाणे को भी इन्होंने 4 बार आउट किया है और मोइंग अली को भी इन्होंने 2 बार आउट किया है। तो मैंने जरूर आप लोगों को ये बात बोली है कि मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी शिवम दुबे को एंड्रे रसल ने 5 बॉल पे 1 बार आउट किया हुआ है। ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट मैचअप है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो आज के इस मैच के लिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर स्मॉल लीग की टीम अगर आप लोग खेल रहे हो आज के इस मैच पे तो कुछ ऐसी रह सकती है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से मेरे पास डिवॉन कॉनवे है, बैटिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों जेसन रॉय, नीतीश राणा और ऋतुराज गायकवाड है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दोस्तों मेरे पास रविंद्र जडेजा, एंड्रे रसल और मोइंग अली है। बाकी बात करूं दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन की तो दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मतीशा पतिराना और वरुण चक्रवर्ती है। दोस्तों आज के इस मैच के कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन रह सकते हैं उस बात को देख लीजिए। दोस्तों मोइंग अली को आज के इस मैच पे आप लोग रिस्क लेकर वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, क्योंकि आज के इस मैच पे अपने पूरे 4 ओवर कराएगा, प्लस बैटिंग पे भी आज के इस मैच पे अच्छा कर सकता है। बाकी डिवॉन कॉनवे का अगर आप लोग वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, आप लोगों ने देखा था इस वेन्यू पे 88 के एवरेज से खेलते हैं और हर बार जब भी खेले हैं इस वेन्यू पे इन्होंने अच्छा रन किया है। बाकी दोस्तों आप लोगों के अदर ऑप्शन रहते हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा को आप लोगों ने देखा होगा हर मैच पे विकेट निकालते हैं और अगर बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बैटिंग पे भी अच्छा खासा यहां पर रन स्कोर कर सकते हैं। बाकी सीएसके की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए अपनी टीम बनाने की सोच रहे हो तो आप लोग कट द टीम लॉजिक को पक्का से इस्तेमाल कर लीजिएगा, और कट द टीम लॉजिक यूज करोगे तो वहां पर आप लोग मतीशा पतिराना को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखिएगा और यहां पर आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ को सीवीसी कीजिएगा। क्लियर, क्योंकि डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ डिवॉन कॉनवे से ज्यादा फास्ट बैटिंग करते हैं और मतीशा पतिराना क्योंकि डेथ पे बॉलिंग करने आएंगे स्लिंग आर्म एक्शन से अच्छा यॉर्कर निकालते हैं, तो हो सकता है कि इन्हें लास्ट पे डेथ ओवर पे अच्छे खासे विकेट्स मिल जाए। तो ये कुछ मेगा ग्रैंड लीग की सीवीसी की प्रेडिक्शंस थी मेरे एंड से आप सभी लोगों के लिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ऐप का लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।